नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सफाई करना तो दूर, एमसीडी के सफाई कर्मचारी आज दिल्ली की सड़कों पर खुद कूड़ा बिखेर रहे थे। ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि वो हड़ताल पर है। कहते हैं पेट नहीं भर रहा है, आखिर नौकरी क्यों करें जब तनख्वाह ही नहीं मिल रही है। तो अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी की इस लड़ाई में एमसीडी कर्मचारी हैं हड़ताल पर और दिल्ली है कूड़ा कूड़ा। कूड़ा कूड़ा हो गई देश की राजधानी। जो सड़कें कुछ दिन पहले तक चमचमा रही थीं, अब उन पर कूड़े के ढेर बन चुके हैं। एमसीडी सफाई कर्मचारियों को जब तनख्वाह नहीं मिली तो उन्हें बस यही रास्ता समझ में आया। जो रोज सुबह कूड़ा उठाकर दिल्ली को साफ करते थे, वही कर्मचारी दिल्ली की सड़कों पर कूड़ा बिखेरने में लग गए। सफाई कर्मचारियों का गुस्सा फूटा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के दफ्तर पर। सड़क का कूड़ा सिसोदिया के दफ्तर में दाखिल होने लगा। मनीष सिसोदिया के दफ्तर के अंदर कूड़ा फेंका जा रहा है। इस वक्त सफाई कर्मचारी कचरा गाड़ी लेकर आए हैं और बाहर अंदर सब जगह कचरा फेंक रहे हैं और ये ऐलान पहले ही कर दिया था। कैसी बदबू को झेलते हम, अपने बच्चों को निगाहें पढ़ाने के मामले में हम ऐसी गंदगी में भी हाथ डालते हैं। बीमारी है क्या, अगर हमारा भुगतान नहीं कर रहे, पैसा नहीं दे रहे हैं, हमारे एरिया में तीन बिजनेस है, पैसा नहीं भुगतान कर रहे। कूड़े की सबसे ज्यादा शिकार पूर्वी दिल्ली हुई है। लक्ष्मी नगर इलाके की सड़क पर जरा नजर डालिए, दो लेन की सड़क कूड़े के चलते एक लेन की हो गई। आने जाने वालों के लिए तो परेशानियों का पहाड़ सा खड़ा हो गया। बहुत ज्यादा मुश्किलें आ रही है, बदबू भी आ रही है, जितने भी आ रही है सफाई नहीं हो रही बहुत दिन से। देखिए जब तक हमारी मांग डिमांड पूरी नहीं होंगी और हमारा वेतन नहीं मिलेगा तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे। हमारी जो काम बंद हड़ताल है अनिश्चितकालीन है और ये जब तक हमको वेतन और हमारा जो लाभांश है, हमारा बोनस है, हमारा डीए है, जब तक नहीं मिलेगा जब तक कहना चाहिए कि हम हड़ताल पर रहेंगे। मैं कहता हूँ दोनों सरकारें हमारे साथ गेम खेल रही है और वो कहता उसके पास है, वो कहता उसके पास एक दूसरे को, और हमारे पे रोटियों के भी लाले पड़े हुए हमारे समाज का, और ये दोनों गेम खेल रहे हैं, बीजेपी भी और केंद्र सरकार भी और दिल्ली सरकार। आम लोग परेशान हैं तो वहीं सफाई कर्मचारियों का भी अपना दर्द है। हाथों में झाड़ू है जो दिल्ली की सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी का चुनाव निशान भी है, लेकिन कर्मचारी कह रहे हैं कि इस निशान से ही धोखा खा गए। इस निशान से ही धोखा खा गए हम, जो केजरीवाल जी आज इतना बोल रहे हैं। सर जी कहानी है, हमारी तनख्वाह वेतन जो हमारा रुका हुआ वो मिलना चाहिए, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। मैडम हमारी सैलरी नहीं हो रही है और 2004 से हमारा एरियल रोका हुआ है, जूता कपड़ा वर्दी वगैरह जो देते थे वो भी हमें झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। ये सेंट्रल दिल्ली का हाल है। सड़क पर कूड़े का ढेर है और फिजाओं की हवा बदबूदार, सांस लेना भी मुहाल है। मेहनत करते हैं बिल्कुल, उनको तनख्वाह मिले जल्दी से जल्दी सफाई हो। बच्चों की सेहत पर कितना बुरा असर है, इतनी गंदगी, बच्चे तो निकल नहीं पाएंगे यहाँ से, इनको कितने कीटाणु लगेंगे, हमारे को आने जाने में कितना खतरा है यहाँ पे। बस जल्दी जल्दी सफाई हो जाए, उनको तनख्वाह उनको टाइम से मिल जाए बस। मसले का हल नहीं निकल रहा है, एमसीडी कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पुतला फूंका जा रहा है। केजरीवाल हाय हाय के नारे यहाँ पर लगा रहे, नोट एमसीडी के सफाई कर्मचारी जो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर केजरीवाल का एक सांकेतिक पुतला दहन भी किया गया है। कोशिश यही है कि जो दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच लगातार बकाया वेतन को लेकर के खींचतान चल रही है। एमसीडी कर्मचारी दिल्ली की जनता का दुख महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनके आगे भी पापी पेट का सवाल खड़ा है। कोई रास्ता नहीं मिला तो ये आखिरी रास्ता चुन लिया। हमें 20 साल हो गए, हमें कच्चे से पक्का नहीं करा जा रहा, हमारे को तनख्वाह नहीं मिली जा रही, 4 महीने हो गए हमारे को काम कच्चे हैं, बिल्कुल हमारी उम्र हो गई इतनी। दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच झगड़े का खामियाजा कर्मचारियों को उठाना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें 3 से 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है और अब परेशानी पब्लिक को भी भुगतनी पड़ेगी क्योंकि सड़कों पर गंदगी फैल रही है। ये एमसीडी हेडक्वार्टर का नजारा है, सारे कर्मचारी जमीन पर बैठे हैं। मांग वही है, जिद वही है कि वेतन नहीं तो काम नहीं।
दिल्ली देश की राजधानी है, क्रांति की कोख से जन्म लेने वाली आम आदमी पार्टी की यहाँ सरकार है, जिसका निशान भी झाड़ू है। स्वच्छ भारत अभियान का आह्वान करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहीं रहते हैं। इसके बावजूद दिल्ली कूड़ा कूड़ा है, तो ये बड़े शर्म की बात है। प्रमिला दीक्षित, रोशनी ठोकने, मनीष गुप्ता के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। दिल्ली की सड़कों पर जो आप घरों का कूड़ा इस वक्त कचरा देख रहे हैं, दरअसल वो सियासी कचरा है। वो कचरा है इस बात का कि एमसीडी है सियासी दुश्मन बीजेपी के पास और अरविंद केजरीवाल जी चला रहे हैं दिल्ली की सरकार। भुगत कौन रहा है? पिस रही है दिल्ली की जनता और एमसीडी के 1,25,000 कर्मचारी। दिल्ली एमसीडी और दिल्ली सरकार के बीच में छिड़ी जंग की मार एमसीडी कर्मचारियों पर पड़ी, लेकिन सजा भुगत रही है दिल्ली की जनता। सड़कें, गलियां, चौक चौबारे कूड़े से पट गए हैं, सड़क पर चलना दुश्वार है। दिल्ली का कूड़ा जितना बजबजा रहा है, उससे कहीं ज्यादा बजबजा रही है कूड़े की राजनीति। दिल्ली में सरकार है आम आदमी पार्टी की, जिसके मुखिया है अरविंद केजरीवाल, लेकिन दिल्ली की तीनों एमसीडी पर कब्जा है केजरीवाल की धुर विरोधी बीजेपी का। कर्मचारियों को तनख्वाह न मिल पाने के लिए एमसीडी और दिल्ली सरकार एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दिल्ली सरकार का दावा है कि उसने नॉर्थ एमसीडी को 892 करोड़ रुपए, पूर्वी नगर निगम को 465.53 करोड़ रुपए की पूरी रकम दे दी है, जबकि दक्षिणी नगर निगम को भी करीब 80% रकम का भुगतान किया जा चुका है और सिर्फ 162 करोड़ रुपए की रकम दी जानी है। दूसरी तरफ एमसीडी का कहना है कि उसे सरकार से 3,000 करोड़ रुपए मिलने थे, लेकिन मिले हैं महज 2,026.45 करोड़ रुपए। अब ये हड़ताल मेरे दफ्तर के सामने हो रही है, मेरे घर के सामने कूड़ा फेंका जा रहा है। ये मेयर जिनको तनख्वाह देनी थी उनके सामने नहीं हो रही, कमिश्नर के सामने नहीं हो रही, दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के घर के सामने कूड़ा फेंकेंगे, उसके दफ्तर में कूड़ा फेंकेंगे, तो इसका साफ साफ मतलब है कि पॉलिटिकल है। कि महत्वाकांक्षा इनकी चढ़ी हुई है कि ये दिल्ली नगर निगम पे कब्जा करें। मैं केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी से कहना चाहता हूँ, इस पागलपन से बाहर आइए, दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को और दिल्ली की जनता को खून के आंसू मत रुलाइए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कूड़े की बदबू से सियासी फायदे की खुशबू ढूंढ रहे हैं। जरा सीएम साहब का ट्वीट देखिए। एक संस्था का प्रबंधन जो कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे सकता, उसे काम करने का कोई हक नहीं है। नियम को भंग कर ताजा चुनाव करवाइए। दिल्ली में 15 साल तक सरकार चलाने वाली कांग्रेस भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी की इस कूड़ा पॉलिटिक्स पर हैरान है। एडवर्टाइजमेंट में ना खर्च होते तब तो हम कहते कि हाँ, पता है आपको कि जब हम लोग थे सरकार में तो हमारा एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्चा होता था? 20-25 के बीच, शायद एक आधा साल 30 करोड़ रहा, तो इतना रहता था। अब 20-25 करोड़ से लेकर आप 526 करोड़ पर ले आए हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की इस सियासी दुश्मनी के बीच पिस रहे हैं एमसीडी के कर्मचारी। 2 से 4 महीने तक की तनख्वाह रुक गई, उन्हें अपने हक की जंग का दूसरा और कोई रास्ता नहीं दिखा। एमसीडी के कर्मचारी अब आर या पार के मूड में हैं। सीधी सीधी उनकी ये 4 मांगे हैं। उनकी तनख्वाह तुरंत दी जाए, बकाया एरियर का भुगतान किया जाए, 4th वित्त आयोग की सिफारिशें लागू हों और जो कर्मचारी अस्थाई हैं उन्हें स्थाई किया जाए। एमसीडी कर्मचारियों ने धमकी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 1 फरवरी से वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। 2 दिन की हड़ताल में दिल्ली में कूड़े का ये हाल है, हड़ताल आगे बढ़ी तो क्या हाल होगा, अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। प्रमिला दीक्षित, रोशनी ठोकने के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। दिल्ली के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी 2 दिन पहले सड़कें चमक रही थी, लेकिन अब देखिए कूड़ा कूड़ा हर जगह। लोग सुरक्षा की वजह से कहते हैं दिल्ली में डर लगता है, दिल्ली में लेकिन अब बदबू आती है। सवाल यह है कि दिल्ली की परिस्थिति बदलेगी कैसे, क्योंकि नाक की लड़ाई के बीच दिल्ली में कूड़ा फैल रहा है। दिक्कत तो होती है, ऐसे गंदे बदबू कितने आती है, मतलब है सिर्फ सफाई से, चाहे केंद्र सरकार कराए, चाहे दिल्ली सरकार कराए, चाहे एमसीडी कराए, और उस अपने वोट मांगने आते हैं बस, उसके अलावा कोई काम नहीं करते। वो इतनी दिक्कत हो सकती है? बिल्कुल दिक्कत होएगी, गंदगी होएगी, तो उससे क्या है, कर्मचारी कहाँ से काम करेगा? जब उसको वेतन ही नहीं मिलेगा तो कर्मचारी कहाँ जाएगा, हड़ताल ही करेगा सर। केजरीवाल तो बैठ गया, मोदी लेके बैठ गया अपने, और हमारा इतना बुरा हाल है मैडम, तनख्वाह से भी हर चीज से, हम क्या अपने बच्चों कहाँ ले जाएं, कहाँ नहीं ले जाएं, समझ नहीं पा रहे। बस हम बहुत ज्यादा केजरीवाल की मेहनत का मांग रहे हैं,
ऐसा कभी मोदी मोदी केजरीवाल को कह दे मोदी पैसा नहीं देता, केजरीवाल जो है मोदी का नाम ले दे, मोदी केजरीवाल का नाम ले दे, ये मेरे अंडर में नहीं आती एमसीडी। अब ये कुछ है दोनों की इनकी मिली जुली, इनकी मिली जुली सरकार। भैंसों भैंसों की लड़ाई में झुंडों का नुकसान हो रहा है, देसी मिसाल में कहते हैं केंद्र सरकार आगे। अब क्या आप लोग कह रहे थे कि और मिनिस्टर से घर पे भी जाएंगे, कल का हमारा गोपाल राय जी जो है आम आदमी के उनके घर का घेराव करेंगे और जो भी हमसे होगा हम अपना उग्र कमिश्नर और मेयर हैं बीजेपी के उनके घरों के बाहर ही प्रदर्शन होगा। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हम ट्रेड यूनियन चलाते हैं, हम किसी पार्टी के बंधुआ। स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात शनि पर संग्राम की, क्योंकि वो संग्राम अभी थमा नहीं है और कूद पड़े हैं उसमें स्वामी स्वरूपानंद। स्वरूपानंद जी का ये कहना है कि शनि कोई देवता नहीं है, सिर्फ ग्रह है, इसलिए महिलाएं जो ये सिर पर तूफान उठा रही हैं कोई फायदा नहीं होने वाला है शनि की पूजा से। इसके आगे वो एक और विवादास्पद बयान देते हैं, कहते हैं धर्म में सामाजिक न्याय की बात होनी ही नहीं चाहिए। सुनिए। शनि भगवान नहीं है, शनि क्रूर ग्रह है, उसको हटाया जाता है, उसकी पूजा नहीं की जाती। शनि देवता नहीं, एक ग्रह है। हमारे यहाँ जो नमक ग्रह हैं उनमें सबसे ज्यादा क्रूर ग्रह है शनि होता है। शनि की पूजा से महिलाओं को लाभ नहीं मिलने वाला। जिसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ जाती है तो वो दुखी हो जाता है, इसलिए हमारे यहाँ महिलाओं को उसके लिए रोक दिया गया है। शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं के शनि पूजा को लेकर बड़ा संग्राम छिड़ा हुआ है। महिलाओं की भू माता ब्रिगेड अड़ी हुई है और मंदिर में शनि की पूजा का हक मांग रही है। और जब भू माता ब्रिगेड ने मंदिर के अंदर शिला तक पहुंचने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। कई महिलाएं हिरासत में ले ली गईं, लेकिन भू माता ब्रिगेड पूजा के हक पर समझौता करने को तैयार नहीं। जिस परंपरा के मुताबिक शनि शिंगणापुर मंदिर में 400 साल से किसी महिला को शनि देव के चबूतरे पर जाकर तेल चढ़ाने या फिर पूजा करने की इजाजत नहीं मिली, अब उस परंपरा के खिलाफ भू माता ब्रिगेड ने बड़ी लड़ाई छेड़ दी है। और अब महिलाओं के शनि पूजा पर मचे संग्राम पर द्वारिका पीठ के शंकराचार्य ने भी अपनी राय पेश कर दी है। शंकराचार्य का कहना है कि शनि भगवान नहीं है, शनि की पूजा नहीं की जाती, शनि को देखने से महिलाओं का अमंगल होता है। शनि क्रूर ग्रह है, उसको हटाया जाता है, उसकी पूजा नहीं की जाती और उसको देखने से महिलाओं का अमंगल होता है। कोई भी शनि को बुलाना नहीं चाहता, पुरुष भी जो जाते हैं तो वो इसलिए जाते हैं कि हमको क्षमा करना, हमारे पास ना आना। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने शनि की पूजा पर ही सवाल उठाए हैं। शंकराचार्य ने शनि की पूजा का विरोध करते हुए ये भी कहा कि शनि को बुलाया नहीं बल्कि हटाया जाता है। शंकराचार्य ये भी कहते हैं कि शनि सिर्फ एक ग्रह है जो बहुत क्रूर है और इसलिए महिलाओं को शनि की पूजा करने से रोका गया है। हमारे यहाँ जो नमक ग्रह हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्रूर ग्रह है शनि होता है, और जिसमें जिसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ जाती है तो वो दुखी हो जाता है, इसलिए हमारे यहाँ महिलाओं को उसके लिए रोक दिया गया है, क्यों वो लक्ष्मी रूपा होती हैं तो उनको किसी प्रकार की आँच नहीं आना चाहिए। महिलाओं को अधिकार देने पर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती कहते हैं कि जहां तक देश में महिलाओं को सामाजिक अधिकार की बात है तो वो उन्हें मिल चुका है। अगर धर्म में सामाजिक न्याय की बात है तो धर्म मान्यताओं और परंपराओं पर चलता है, यहां सामाजिक न्याय जैसी कोई बात नहीं होती। जहां तक सामाजिक न्याय की बात है तो सामाजिक न्याय को हम लोग
धर्म को उसके साथ नहीं जोड़ना चाहिए, इसलिए नहीं जोड़ना चाहिए कि धर्म का संबंध परलोक से है और परलोक जो है वो तब बनता है जब उन्हें पुण्य करता है। शंकराचार्य महिलाओं की शनि पूजा को उनके सामाजिक अधिकार से अलग रखते हैं, जबकि भू माता ब्रिगेड इसे नारी शक्ति, अधिकार और समानता से जोड़कर मुद्दा बना रही है और बाकायदा इसके लिए आंदोलन भी कर रही है। तो क्या भू माता ब्रिगेड भी शंकराचार्य की बातों से इत्तेफाक रखेगी? वाराणसी से नीतीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। शनिदेव और हिंदू धर्म, क्या कुछ मान्यताएं हिंदू धर्म में भी है जिनकी वजह से शनि के इर्द गिर्द पूजा भी होती है, उनकी शक्ति में विश्वास भी होता है? आइए आपको बताते हैं हिंदू मान्यताएं जो है शनि के इर्द गिर्द वो क्या है। जहां सबसे पहले तो यही महत्वपूर्ण है कि शनि सूर्य के पुत्र है और उनकी पिता से शत्रुता रही है ये माना जाता है। लेकिन इसी के साथ घोर तपस्या उन्होंने की, शनिदेव ने भूखे प्यासे रहकर सालों जब घोर तपस्या की उसके बाद शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। वरदान मांग लिया कि मुझे सबसे शक्तिशाली बता दीजिए, अपने पिता से भी ज्यादा शक्तिशाली, जो पिता उनके सूर्य थे उनसे भी शक्तिशाली। भगवान शिव ने शनि को नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ बता दिया। उनकी शक्ति के इर्द गिर्द अब उनकी भक्ति होती है। लोग मानते हैं कि बहुत ही शक्तिशाली ग्रह है और इसीलिए लोग उनकी पूजा करते हैं। लेकिन अब आइए उस विवाद का फिर से रुख करते हैं, क्योंकि शंकराचार्य ने एक नया विवाद छेड़ दिया। कह रहे हैं कि शनि देव जिन्हें आप कह रहे हैं वो भगवान है ही नहीं, सिर्फ एक ग्रह है, उनकी पूजा से कुछ भी हासिल होने को है नहीं। तो आइए आपको सुनाते हैं, आज तक ने वाराणसी से लेकर इलाहाबाद तक, दिल्ली से लेकर तमाम शहरों में जा जाकर पंडितों से पूछा, क्या वो शंकराचार्य की इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए। मां ऋषिगण, ऋषि परंपरा में अभी तक जो ऋषिगण हुए हैं अनंत काल से आज तक, वो अभी तक वो शनि को देवता के कोट में ही माने हैं और देवता मानकर ही उनका यजन पूजन कर रहे हैं। भी माताएं, सभी बहनें, सभी स्त्री, सभी पुरुष मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। एक विषय मिलता है धर्मशास्त्र में, शालिग्राम की प्रतिमा छूना माताओं को वर्जित किया गया है। इसके अलावा और किसी भी प्रतिमा को स्पर्श करने का जो नकारात्मक विधि है उसको नहीं कहा गया है, सिवाय शालिग्राम के, उसमें शनिदेव नहीं आते हैं। शनिदेव को सूर्य का पुत्र माना जाता है और धर्मराज के बड़े भाई के रूप में इनकी ख्याति है। तो अगर पिता और पुत्र दोनों देव हैं तो भाई देव नहीं होगा, यह कहाँ से प्रमाणित है? निश्चित रूपेण शनि भगवान है, शनि देव हैं, इनकी पूजा अर्चन करनी चाहिए। देखिए, शंकराचार्य जी का बयान जो है वो उनका अपना मत हो सकता है, लेकिन शास्त्रीय मत यही है कि शनि भगवान है, शनि देव हैं। अगर स्पर्श भाव है तो स्पर्श भाव में महिला और पुरुष दोनों स्पर्श कर सकते हैं, अगर स्पर्श नहीं कर सकते तो दोनों स्पर्श नहीं कर सकते। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री जी जो उन्होंने निर्णय लिया है वो उनके निर्णय का, उनके विचारों का हम स्वागत करते हैं और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और निश्चित रूप से उनसे आग्रह करते हैं कि अगर समिति नहीं मानती है तो ये ऐसा कानून पारित करे महाराष्ट्र में कि महिलाओं को पूजा पाठ के लिए वंचित नहीं किया जाए, उन्हें पूरा पूरा अधिकार मिलना चाहिए। मैं इस बात का भी समर्थन नहीं करता कि महिलाओं को जाना जरूरी है, क्योंकि ये 400 साल पुरानी परंपरा है और किसी भी परंपरा का पूरी तरह से पालन होना चाहिए। उसको किसी भी छोटे मोटे झगड़े के कारण उसको ईगो नहीं बनाना चाहिए, और सिर्फ हल्का सा एक झगड़ा हुआ और उसको राजनीतिक रूप दे दिया गया, ये भी गलत है। विवाद की शुरुआत हुई जब तृप्ति देसाई ने एक मुहिम की शुरुआत की, कहा कि शनि मंदिर में चबूतरे पर जाकर महिलाओं को तेल चढ़ाने का अधिकार मिलना चाहिए। संग्राम छिड़ गया, लेकिन अब तृप्ति देसाई का ये कहना है कि शनि मंदिर ही क्यों, तमाम अन्य मंदिर है महाराष्ट्र के, वहां पर भी महिलाओं के साथ यही होता है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भी गर्भगृह में महिलाओं को अंदर जाने का अधिकार मिलना चाहिए। ये वो तारीख है जब एक महिला ने महाराष्ट्र के अहमदनगर में शनि शिंगणापुर मंदिर के चबूतरे पर जाकर पूजा, लेकिन महिला के इस चबूतरे तक पहुंचने के साथ ही हंगामा भी छिड़ गया और हक की लड़ाई। मंदिर ट्रस्ट ये दुहाई देता है कि वो 400 साल पुरानी परंपरा को तोड़ नहीं सकता और इसीलिए शनि मंदिर के चबूतरे पर महिला चढ़ी तो बाकायदा उसका शुद्धिकरण भी कराया गया। शिंगणापुर में पूरी पंचायत बैठ गई, लेकिन महिलाओं ने भी इसके लिए बाकायदा भू माता ब्रिगेड बना और तृप्ति देसाई के नेतृत्व में एक हक की लड़ाई छेड़ दी।
में ऐसा लिखा है कि शनेश्वर देवस्थान ट्रस्ट जो है वो जल्द से जल्द आप सरकार के अंडर लीजिए और वहाँ पे जो महिलाओं को प्रवेश है वो खुला कर दीजिए। अब पुणे की भूमाता ब्रिगेड की महिलाएं तृप्ति देसाई के साथ मिलकर 400 साल पुरानी परंपरा का विरोध कर रही और शनि मंदिर में पूजा के हक के लिए भूमाता ब्रिगेड की लीडर तृप्ति देसाई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस से भी मिल चुकी है। हम आपको बता दें कि शनि शिंगणापुर मंदिर में शनि महाराज की शिला खुले में रखी गई है, वहां दूर से दर्शन होते हैं। चबूतरे के पास सिर्फ पुरुषों को ही जाने की इजाजत है। कहा जाता है कि शनि शिंगणापुर कस्बे के किसी भी घर में दरवाजे या गेट नहीं है, यहां तक कि एक बैंक की ब्रांच में ताला तक नहीं लगाया जाता। हम आपको ये भी बता दें कि शिंगणापुर में शनि की पूजा के लिए अड़ी भूमाता ब्रिगेड अब महाराष्ट्र के दूसरे मंदिरों में भी जाने की खुली इजाजत मांग रही है। ब्रिगेड की अध्यक्ष तृप्ति देसाई ने महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर मंदिर ट्रस्ट को भी चुनौती दी है और महिलाओं को गर्भगृह तक जाने की मांग की है। यहाँ की जो संहिता बनी है उस हिसाब से काम करना हमारा कर्तव्य है। अगर उनको ये पसंद नहीं तो उनके लिए दो मार्ग है, एक तो यहाँ के धर्म संस्था है जो चारों पीठों के शंकराचार्य और षडदर्शन अखाड़ा है, उनसे उन्होंने बात करना चाहिए। अगर धर्मपीठ और अखाड़ा परिषद हमको ये बताती है कि महिलाओं को अलाउ करो तो हमें कोई दिक्कत नहीं, या तो उन्होंने कोर्ट में जाना चाहिए। तृप्ति देसाई ने इस सिलसिले में भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी। भूमाता ब्रिगेड चाहती है कि महाराष्ट्र के सभी मंदिरों को महिलाओं के लिए ठीक वैसे ही खोला जाए जैसा कि पुरुषों के लिए खोला जाता है। घर में दरवाजे ना हो, ना हो या मंदिर के चबूतरे पर औरतों का प्रवेश, इन सभी मान्यताओं और प्रथाओं को गांव वालों ने स्वीकार किया है और उन्हें पाला भी है। लेकिन अब जब एक परंपरा को लेकर सवाल खड़ा हुआ है, गांव वालों के मन में यह आशंका है कि उनकी इस दूसरी परंपरा पर भी कल कोई सवाल खड़ा ना कर दे। अब सवाल यह है कि धर्म में समानता के अधिकार की यह बात मानी जाती है या नहीं। शनि की पूजा को लेकर शंकराचार्य तो अपना रुख साफ कर ही चुके हैं। पुणे से पंकज खेलकर और कमलेश सुतार के साथ, वाराणसी से नीतीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। और अब खबरों की इस तमाम भीड़ के बीच में उस अच्छी खबर का इंतजार, दिलचस्प खबर का इंतजार जो आप स्पेशल रिपोर्ट के आखिरी हिस्से में करते हैं। दरअसल केरल के एक डीएम ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा। पोस्ट में लिखा कि जो भी शहर के गंद फैलाने वाली झील को साफ करेगा उसको बिरयानी की दावत मेरी तरफ से। फिर क्या हुआ देखिए ये रिपोर्ट। बिरयानी की दावत ने साफ करा दी झील, एक डीएम की बिरयानी की दावत हो गई सुपरहिट। फेसबुक पर मिले 1400 शेयर, 7800 लाइक। इस झील का पानी आपको साफ नजर आ रहा होगा, लेकिन पहले ये झील ऐसी नहीं थी। आसपास गंदगी का अंबार था, कोई इस झील के पास से गुजरना भी सही नहीं समझता था। और फिर केरल के कालीकट जिले के कलेक्टर साहब ने एक नायाब तरीका निकाला। स्थानीय लोगों को एक ऐसा ऑफर दिया कि लंबी चौड़ी झील महज कुछ ही घंटों में चमचमाने लगी। जगह कालीकट, केरल। तिरुवनंतपुरम से 25 किलोमीटर दूर पिसारकावु झील। जी हाँ, केरल के कालीकट जिले की पिसारकावु झील के चमचमाने की वजह भी सुन लीजिए। शहर में कलेक्टर ब्रो के नाम से मशहूर यहाँ के डीएम एन प्रशांत ने 8 जनवरी को फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा। इस पोस्ट में डीएम ने स्थानीय लोगों से पिसारकावु झील साफ करने के लिए सहयोग की अपील की। साथ ही ये भी कहा कि जो इस काम में उनका साथ देगा उसे कालीकट बिरयानी खिलाई जाएगी। फिर क्या था, देखते ही देखते 1400 लोगों ने डीएम के इस पोस्ट को शेयर किया। 7800 से ज्यादा लाइक मिले और 750 से ज्यादा वॉलंटियर्स जुट गए अपने शहर की झील को साफ करने के लिए। और देखते ही देखते लोगों ने 57,000 वर्ग मीटर झील को साफ कर दिया। तो डीएम एन प्रशांत उर्फ कलेक्टर ब्रो अपने वादे से कैसे मुकर दें। लोगों को बिरयानी खिलवाई और उनका शुक्रिया भी अदा किया। वाकई डीएम एन प्रशांत की ये पहल काबिले तारीफ है, और काबिले तारीफ है कालीकट के लोगों की कोशिश भी, जिन्होंने सिर्फ बिरयानी की सुगंध के साथ झील की गंध को दूर कर दिया और अब झील वहां की रौनक बढ़ाने के लिए तैयार है।
आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। तनाव अभी बरकरार है, हाईकोर्ट ने प्रशासन को 4 हफ्ते का वक्त और दे दिया। I am, we know the people of India vote.